हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। आज मैं लेके आई हूँ पोहा कटलेट की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 2 उबले हुए आलू, जिसको मैंने ग्रेट करके रखा है। आप इसे मैश भी कर सकते हैं, बस इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। यह है पोहा, जिसे चूड़ा भी कहते हैं। कटी हुई धनिया पत्ती, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्ची, मिर्ची आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। और यह है सूजी। तो सबसे पहले पोहे को धो के सॉफ्ट करेंगे। ये देखिए, पोहा को मैंने धुल दिया और 5 मिनट के लिए सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया था। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब एक बड़े बर्तन में सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अब इसमें आलू डाल देंगे। अब इसी के साथ इसमें ऐड कर लेंगे धनिया मिर्ची। अब इसमें डालेंगे धनिया मिर्ची। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। अब इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा धनिया का पाउडर, और इसी के साथ इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट। नमक स्वाद अनुसार डालना है। अब इन मसालों को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसकी हम बनाएंगे कटलेट। अब हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा थोड़ा से इस बैटर को ले करके कटलेट तैयार करेंगे। मैं इस तरीके से शेप दे रही हूँ, आप अपने मनपसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसे सूजी में अच्छे से लपेटना है। ये देखिए, मेरा कटलेट तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं सारे कटलेट तैयार करूँगी। ये बड़े आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मैं इसे सूजी में लपेट रही हूँ, आप इसकी जगह पे ब्रेड क्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारे कटलेट को तैयार कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कटलेट को तैयार कर लिया है। अब मैं इसे करूँगी फ्राई। गैस पे मैंने चढ़ा दिया है तेल गर्म होने के लिए। मैं चेक कर लेती हूँ ऑयल अच्छे से गर्म हुआ कि नहीं। तो मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा बटर। हाँ, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालूँगी कटलेट को। एक एक करके धीरे धीरे से डालना है। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है ताकि अच्छे से अंदर तक यह पक जाए। अब इसे दूसरी साइड पलट लेंगे। इसे पलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। देखिए फ्रेंड, मेरा कटलेट रेडी हो चुका है। इसमें देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है। अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। इसी तरीके से सारे कटलेट को मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए फ्रेंड,
मेरा कटलेट गर्मा गर्म खाने के लिए है बिल्कुल तैयार। आप भी इसे ट्राई करें। इसी तरीके की इजी एंड क्विक रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।